नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट में पास, महाराष्ट्र विधानसभा में मिला बहुमत। बीड में शमशान घाट की दुर्व्यवस्था के लिए किया गया आंदोलन, समाज सेवियों का कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनोखा आंदोलन। और बेटे ने बड़े माता पिता के साथ मिलकर की पिता की हत्या, खापरखेड़ा पुलिस द्वारा घटना की जांच जारी। विस्तार से महाराष्ट्र विधानसभा से सबसे बड़ी खबर है कि फ्लोर टेस्ट में सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार को बहुमत मिल गया है। फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 था, यानी शिंदे सरकार को 145 विधायकों का साथ चाहिए था, लेकिन उनको इससे कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला है। एकनाथ शिंदे को उनके पक्ष में 164 वोट मिले हैं, वही विपक्ष को महज 99 वोट मिले हैं। शिंदे सरकार ने रविवार को हुए विधानसभा स्पीकर के चुनाव में मिले समर्थन के आंकड़े को फिर से एक बार छू लिया है। शिंदे सरकार ने 164 वोटों के साथ बहुमत सिद्ध किया। आज दो और विधायक शिंदे के समर्थन में आ गए। इनमें श्याम सुंदर शिंदे और संतोष बांगर का नाम शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी के दो बड़े मंत्री अशोक चौहान और विजय वडेट्टीवार समय पर विधानसभा नहीं पहुंचने के कारण वोटिंग नहीं कर पाए हैं। गौरतलब है कि शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने 31 महीने पुराने महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद 30 जून को शपथ ग्रहण किया था। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन शिंदे सरकार ने आज बहुमत साबित किया। नागपुर कामगार नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर तक के इलाके के रास्ते की समस्या के चलते पिछले 15 साल से इस इलाके के लोग और परिवहन करने वाले लोग काफी परेशान हैं। रास्ते की समस्या को लेकर लोगों ने कई बार नगर निगम और इलाके के नगर सेविकों को निवेदन पत्र लिखा है। नागपुर में रास्ते की समस्या के चलते लोग काफी परेशान है। वैसे कामगार नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर से रिंग रोड तक मुनानक कर्मगिरी कॉलेज से दीपक नगर चौक से कुहावर बाजार तक एक बधिर स्कूल के लिए WC2 रोड कबीर नगर चौक तेगिया कॉलोनी गुरु नानक का पिछला हिस्सा कॉलेज टायर वाला चौक दीक्षित नगर कॉलोनी चौक से मानस मंदिर चौक से मयूर नगर बाबा दीप सिंह नगर कंपनी चौक रोड त्रिभुवन हाउसिंग सोसाइटी KGNS सम्राट अशोक कॉलोनी नीलगिरी परिमेर बाबा बालकनाथ मंदिर दलित नंबर 12 भाई कॉलोनी दीपक नगर एल समर्थ नगर मयूर नगर कामगार नगर राजगृह नगर इन इलाकों के रास्ते को लेकर पिछले 15 सालों से स्कूल के बच्चे इलाके के लोग परिवहन करने वाले लोग काफी परेशान है। इस समस्या की वजह से लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों ने रास्ते की समस्या के चलते नगर निगम नगर सेविका और कई सारे मंत्रियों को निवेदन किया है, पर पिछले 15 साल से इस इलाके की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है। इस मामले में किसी ने भी कोई काम नहीं किया है। बारिश में इन इलाकों में कई सारे रोड हादसे की घटनाएं सामने आती है। लोगों ने सरकार से भी इस मामले में गुंजारिश की है। वीकेबी न्यूज के लिए रोशन बोकड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं मेरे पीड़ित जनता की ओर से आपका शुक्रगुजार हूँ, जो कि सच्चा पत्रकार ये पानी हवा धुन और कुछ भी रहेगा तो भी आते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 15 साल से पीड़ित जनता है इधर की, दीपक नगर से लेकर तिगिया कॉलोनी बाबा बालकनाथ मंदिर से लेकर सम्राट अशोक नगर स्कूल के बच्चे से लेकर तो काम करने वाले लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं। पिछली 15 साल से आमदार नितिन राउत से लेकर नितिन गडकरी साहब तक के पत्र व्यवहार हुआ और शासन प्रशासन NIT और कॉरपोरेशन इनको भी दिया गया है, पत्र व्यवहार हुआ है। ये NIT के कंट्रोल में ये एरिया आता है और हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ के हाई कोर्ट में लिटिगेशन डाली थी, तो वह पिछले महीने में वो खारिज हो गई थी कि भाई ये रोड किसके है ये आप बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपकी ये याचिका जो है वो खारिज कर रहे हैं और आपको फिर से जिन लोगों की ये रोड है, जिस डिपार्टमेंट के ये रोड है, ये रोडों के ऊपर में उनके अख्तियार में जो आती है उनको फिर से एक अपील की जाए करके न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने हमको दिशा निर्देश दिया है।
तो हमने अभी वही दिशा निर्देश को देखते हुए उसकी जेरोक्स कॉपी माननीय नितिन गडकरी साहब, नितिन राउत और एनआईडी के सभापति और महानगर पालिका के आयुक्त और जिला कलेक्टर को उसके निवेदन की कॉपी दे दी है। पिछले कुछ दिनों में यह रोड की मेजरमेंट लेके गए हैं, अब क्या करते नहीं मालूम। हम तो कोशिश ही कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए। और कल की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट है, कल एक भाई गर्भवती थी, वो टेम्पो से जा रही थी दवाखाने में, लेकिन वो टेम्पो के गड्ढों के कारण वो टेम्पो में अपनी बच्चों को जन्म दी। ये आपको बताते हैं और सवेरे से शाम तक के कितने लोग गिरते रहते हैं यहाँ से और कई जख्मी होते रहते हैं, यहाँ से लेके जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। मैं आपको इतना बड़ा मंच बता सकता हूँ, गिनती के हिसाब से मेरे पास में कम से कम 25-30 कंप्लेंट होंगी, उसके जवाब भी नहीं देते हैं लोग। तो क्या हम लोगों ने इनको ऐसे ही चुन के दिए क्या, क्या हमारे ऊपर में इतनी कौन सी नाराजगी है? इन लोगों ने ये काम करना चाहिए, शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसी विनती कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समर्थक संगठन 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या के विरोध में आज सुबह 11 बजे अमरावती के राजकमल चौक पर श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। सभा के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसके लिए अमरावती से 400 पुलिस कर्मियों को, अकोला से 300 पुलिस कर्मियों और SRPF की 3 कंपनियों को तैनात किया गया है। अमरावती शहर के चौक पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी खुद आज सुबह से ड्यूटी पर है। बीड जिले में शमशान घाट की दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए समाज सेवियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पिंडदान कर अलग आंदोलन का आयोजन किया है। जिले के 1394 गांवों में से 638 गांवों में अब भी शमशान नहीं है। जो शमशान घाट है वह बड़े संकट में है। नतीजतन मृतकों के शवों की दुर्व्यवस्था होती है, इसलिए जल्द से जल्द प्रशासन इस प्रश्न पर ध्यान दे और इसका निवारण करे, ऐसी मांग की जा रही है। बीड जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण 1400 गावामध्ये 650 गावामध्ये स्मशानभूमी नाही आहे। काही गावामध्ये जी स्मशानभूमी आहे तिची अवस्था अत्यंत दुरावस्था आहेत, शेड पडलेले आहेत आणि पावसामुळे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या गावामध्ये स्मशानभूमी नाही आहे त्या गावामध्ये जर अंत्यसंस्कार करायचं म्हणलं तर त्यांना शेतावर अंत्यसंस्कार करावं लागतं। ज्यांना शेत नाही त्यांचं काय? दुसरी गोष्ट, अंत्यसंस्कार करताना गावामध्ये तंटे होतात, वादविवाद निर्माण होतात, सामाजिक सलोखा बिघडतो। 2021-22 मध्ये जिल्हा नियोजन विभागातून 350 गावांमध्ये स्मशानभूमी बांधण्यात यावी यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला, परंतु अद्याप केवळ 135 ठिकाणीच काम झालेलं आहे, उर्वरित काम रखडलेलं आहे। आमची अशी म्हणणी या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पिंडदान आंदोलन करून की जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तहसीलदार आणि उपविभाग अधिकारी यांना कमीत कमी पावसाळ्यामध्ये आणि मृतदेहाची हेळसांड होऊ नये, उघड्यावर अंत्यविधी करण्यात येऊ नये यासाठी सद्बुद्धी द्यावी आणि तात्काळ त्यांनी निधी देऊन ज्या गावामध्ये स्मशानभूमी नाही आहे त्या गावामध्ये निधी देण्यात यावा, स्मशानभूमी बांधण्यात यावी आणि ज्या ठिकाणी अत्यंत दुरावस्था आहे त्या ठिकाणी ती दुरुस्ती करण्यात यावी अशी आमची मागणी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत। दिग्रस थाना क्षेत्र में तुपटकली गांव के तुकाराम खोड़े उनकी पत्नी प्रियंका और उनकी जेठानी के साथ खेत में गए थे, जहां 10 से 12 लोगों ने उन पर हमला कर प्रियंका के सर पर पत्थर मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। खोड़े और घनोदे इन दोनों परिवारों में खेत के लिए विवाद चल रहा था। तुकाराम खोड़े इनका एक खेत है। वे उनकी पत्नी प्रियंका रामेश्वर खोड़े और जेठानी के साथ 3 जुलाई की सुबह 11:30 बजे खेत में सोयाबीन और अरहर की कटाई करने खेत गए थे, जहां घनोदे इनके परिवार के 10 से 12 लोगों ने उन पर हमला कर प्रियंका के सिर में पत्थर से मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पति रामेश्वर और जेठानी को भी मारने की वजह से उन्होंने दिग्रस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्र की रिपोर्ट। खापरखेड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेटे ने अपने बड़े पिता के साथ मिलकर अपने ही पिता को जान से मार डाला। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। पुलिस इसकी घटना की जांच कर रही है। जो भाई लोग चंदा फंदा करके उसको मेहो तक पैसा पहुँचाए, सब लोग ने चंदा, जो चंदा पहुँचाए है उसके लिए कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। ये घर की तुम्हारा मैटर है, वो तुम जानो, लेकिन जो घटना हुई है, जो आज जान गई है, तो वो वापस नहीं आएगी। हमको बाकी मैटर नहीं मालूम है, इनका क्या मैटर था क्या नहीं था हमको नहीं मालूम। आदमी खत्म हुआ उतनी बात हम मानेंगे। घटना है वो सत्य घटना पे हम बोलेंगे, और यहाँ नहीं इंसाफ होगा तो हम ऊपर तक जाएंगे, लेकिन इंसाफ दिला के रहेंगे जगमोहन को। उमरखेड़ से पुसद की ओर जा रही एक मारुति सुजुकी का चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और एक नीम के पेड़ से टकरा गया। हादसे में कार में बैठे दोनों यात्री घायल हो गए। पुसद की ओर जा रही एक कार ने पेड़ को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों यात्री घायल हुए हैं और उनमें से एक का हाथ और दूसरे का पैर टूट गया है। घटना शिलोना घाट में शनिवार 2 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे की है। दोनों उमरखेड़ स्थित तहसील कार्यालय के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। एक है सतीश बोरकर और दूसरे है सतीश ताकोड़े। दोनों ने कार से अपनी ड्यूटी पूरी की और वापस जा रहे थे, जबकि इसी रास्ते में कल दोपहर हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट। भंडारा थाना के क्राइम डिस्क्लोजर स्क्वाड ने भंडारा जिले में व्यावसायिक घरानों में सेंधमारी कर व्यापारियों में भय का माहौल पैदा करने वाले अटर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी का पूरा माल जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सेंधमारी करने वाले चोरों को पकड़कर चोरी में प्रयुक्त सामग्री व नकदी जब्त कर ली है। भंडारा पुलिस की इस कार्रवाई से खासकर भंडारा शहर के व्यापारियों को राहत मिली है। आरोपी की पहचान संतोष सुरेश राजपूत के रूप में हुई है, जो नागपुर का रहने वाला है और नागपुर में कई जगहों पर चोरी भी कर चुका है। आरोपी के खिलाफ नागपुर के विभिन्न थानों में करीब 20 मामले दर्ज है और वो अभी 1.5 माह पहले ही जेल से छूटा है। वह पिछले कुछ दिनों से भंडारा जिले में फरार था। पिछले 15-20 दिनों में साकोली में कई व्यावसायिक दुकानें और भंडारा जिले में 2-3 दिन में 8 चोरियां कर चुका है। पुत वय 37 वर्ष, राहणार प्रतापनगर नागपूर, असं त्यांनी सांगितले। याचा आम्ही क्रिमिनल रेकॉर्डची माहिती घेतली असता नागपूर शहरामध्ये या गुन्हेगारावरती यापूर्वी 20 गुन्हे घरफोडी चोरीचे 20 गुन्हे दाखल आहे आणि तो काही दिवसापूर्वीच जेलमधून सुटलेला आहे। आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये साकोली आणि भंडारा या ठिकाणी त्यांनी घरफोड्या केलेल्या आहेत। अशा जवळपास 8 घरफोड्या या गुन्हेगारांनी आपल्या भंडारा जिल्ह्यात केलेल्या आहेत। तसेच नागपूरमध्ये सुद्धा 2-3 ठिकाणी त्यांनी घरफोड्या केलेल्या आहेत। तर अशा प्रकारे हा जो गुन्हेगार आहे तो सराईत गुन्हेगार आहे आणि अतिशय चाणाक्षपणे सतर्क राहून आमचे डीबीचे पूर्ण अधिकारी पूर्ण स्टाफ यांनी याच्यावर आरोपी पकडण्यामध्ये अतिशय मेहनत घेतलेली आहे आणि खूप मेहनत घेऊन हा आरोपी पकडलेला आहे
आणि यातून यानंतर नक्कीच अशा प्रकारचे गुन्हेगार आपल्या भंडारा शहरामध्ये येणार नाहीत आणि अशा प्रकारचे गुन्हे घडणार नाहीत याकरता आम्ही सतर्क आहोत. आणि याच्यामध्ये एक व्यापारी वर्गांना एक विनंती आणि एक आव्हान आहे की त्यांनी त्यांच्या दुकानांमध्ये जे काय असतील तर त्याच्यामध्ये CCTV कॅमेरे लावण्याचं पाहावं की जेणेकरून त्याची मदत आम्हाला मिळेल. पोलीस स्टेशन भंडारा अंतर्गत दिनांक 29/6/22 रोजी रात्रदरम्यान जो मोठा बाजार परिसर आहे त्या भागामध्ये जे दुकान आहे तर त्या ठिकाणी 3 दुकान फुटलेले होते आणि त्या ठिकाणाहून चोरी झालेली होती आणि त्यामुळे मोठ्या बाजार परिसरामध्ये जे व्यापारी वर्ग आहे त्यांच्यामध्ये एक भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं होतं. आणि मी आणि आमचे DB इन्चार्ज PSI रहाटे, DB पूर्ण स्टाफ यांनी 29 तारखेलाच आम्ही नियोजन केलं. यापूर्वी काही दिवसापूर्वी साकोलीमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारे मार्केट एरियामध्ये अशा प्रकारच्या चोऱ्या झालेल्या होत्या आणि त्यामुळे साकोली परिसरामध्ये सुद्धा व्यापारी वर्गामध्ये एक प्रकारचं भीतीचं वातावरण तयार झालेलं होतं. त्यामुळे आम्ही एक नियोजनबद्ध पद्धतीने हा आरोपी मिळणे आम्हाला आवश्यक होतं. त्याकरिता आम्ही नियोजन केलं. PSI रहाटे, पूर्ण DB स्टाफ असं आम्ही पूर्ण 30 तारीख आणि 1 तारीख या दोन्ही दिवशी आम्ही पूर्ण रात्रभर पेट्रोलिंग वेगवेगळ्या एरियामध्ये पेट्रोलिंग केली आणि पेट्रोलिंग करून ज्या आरोपीबाबत आम्हाला काही तांत्रिक पुरावे मिळालेले होते त्या आधारावरती आम्ही आरोपीचा शोध घेण्यास आमचं पथक तयार होतं. त्यामध्येच 1 तारखेला बडा बाजार परिसरामध्येच एक शटर आम्हाला पेट्रोलिंग दरम्यान फोडलेलं दिसलं आणि लगेच आम्ही तात्काळ तपासाची सूत्रं हलवली आणि पूर्ण एरिया आम्ही कव्हर केला आणि एका संशयित इसमाला आम्ही पकडलं. त्याच्याकडे चोरी करण्याचं शटर तोडण्याचं पूर्ण साहित्य, टॉर्च व काही नगदी पैसे असे त्याच्याकडे मिळाले. त्याला चौकशी केली. चौकशी केली असता त्यांनी साकोली आणि भंडारामध्ये तसंच नागपूरमध्ये बऱ्याच ठिकाणी घरफोडी केल्याचं त्यांनी सांगितलं. तो VKB न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.